खबर रूस से है, जहां पर आज राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के कारण रूसी सेना को यूक्रेन में भारी नुकसान हुआ। इससे पहले रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के एक पुल पर विस्फोटकों से भरे हुए वाहन में धमाका हुआ था। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि बैठक में पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और भी ज्यादा घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। तो पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की ये बैठक बुलाई है और अब इस बैठक पर सबकी नजर है। यूक्रेन जंग पर कोई बड़ा फैसला यहां पर संभव है। उधर हिजाब को लेकर ईरान में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामिक पुलिस अब बल प्रयोग कर रही है। वहीं तेहरान में लोग हिजाब के खिलाफ संग्राम के मूड में हैं, कई जगहों पर प्रदर्शन। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कारियों ने सड़कों पर आगजनी की, जिसे दमकल कर्मी आग बुझाते दिखे। रात हो या दिन, हिजाब कानून को रद्द करने की मांग लेकर लोग अड़े हुए हैं। उनका गुस्सा वहां की सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर ईरान के शहरों की सड़कों पर भी दिख रहा है। कुछ इलाकों में बाजार बंद है क्योंकि विरोध के चलते लोग दुकानें खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। यही नहीं, ईरान के सरकारी टीवी चैनल को भी हैक किया गया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमेनी की तस्वीर प्रसारित की गई, जिसमें उनके चारों तरफ आंख की लपटें बनाकर लिखा गया, आपके पंजों से हमारे